राम राम। मैं इकबाल सिंह खोकर चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बाबा श्याम, माता जीन भवानी सहित सीकर के सभी प्रसिद्ध स्थलों, व्यक्तियों व सीकर किसान आंदोलन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत में आपके कमेंट्स पर चर्चा होगी। बाबा श्याम प्राचीन काल में भीमसेन के पुत्र घटोत्कच की शादी मौरवी से हुई और मौरवी ने सुंदर बालों वाले एक बच्चे को जन्म दिया। इस बालक के सुंदर बालों के कारण इस बालक का नाम वीर बर्बरिक रखा गया। वीर बर्बरिक सुंदर बालों के कारण, और ये मौरवी जी के पुत्र थे इसलिए इनको मौरवी नंदन कहा जाता है। बर्बरिक जी ने मां नव दुर्गा की आराधना की और उनसे तीन बाण प्राप्त किए। इन तीन बाणों की विशेषता यह थी कि ये अपने लक्ष्य को पूरा करके वापस बर्बरिक जी के तरकस में आ जाते थे। तो इनके पास तीन बाण होने के कारण इन्हें तीन बाणधारी कहा गया। बर्बरिक जी जब महाभारत का युद्ध स्टार्ट हुआ तो अपनी माता को वचन देते हैं कि जो पक्ष कमजोर होगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा, जो हारने वाला पक्ष होगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। तो हारे का सहारा कहा जाता है इनको। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बर्बरिक जी अकेले महाभारत युद्ध का पासा पलटने में सक्षम है और यह तो दोनों कुलों का नाश कर देंगे। जब पांडव कमजोर होंगे तो उनकी तरफ से लड़ेंगे और जब कौरव कमजोर होंगे तो उनकी तरफ से लड़ेंगे। इस प्रकार दोनों कुलों का क्या कर देंगे, संपूर्ण नाश कर देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, जब बर्बरिक जी अपने नीले घोड़े पर सवार होकर महाभारत युद्ध भूमि की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में ब्राह्मण का वेश धरकर श्री कृष्ण जी ने बर्बरिक जी से इनका परिचय पूछा। बर्बरिक जी ने कहा मैं एक योद्धा और दानी हूं। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं कैसे मान लूं कि आप एक योद्धा हैं। तो इन्होंने एक पेड़ की सभी पत्तियों को एक तीर से भेद कर दिखा दिया। ब्राह्मण ने कहा कि आपके दानी होने का प्रमाण दीजिए। तो बर्बरिक जी ने कहा आप जो मांगना चाहें मांग लीजिए। तो ब्राह्मण ने कहा मुझे अपना शीश दे दीजिए। तो बर्बरिक जी ने कहा कि एक साधारण से ब्राह्मण को मेरे शीश से क्या काम, आप अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाइए और मैं आपको अपने शीश का दान दे दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक स्वरूप में आए और बर्बरिक जी ने उनको अपने शीश का दान दे दिया, इसलिए यह क्या कहलाए, शीश के दानी। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सामने इच्छा रखी कि मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पास स्थित एक ऊंचे पहाड़ पर पीपल के वृक्ष पर अमृत बूटियों से सजाकर इनका सर रख दिया और इनको वरदान दिया कि आपने इतना बड़ा दान किया है तो कलयुग में आपकी पूजा मेरे श्याम नाम से होगी। कृष्ण जी के अवतार के रूप में श्याम नाम से किसकी पूजा होगी, बर्बरिक जी। और कलयुग में जो भी आपकी सच्चे मन से आराधना करेगा, आपको सच्चे मन से याद करेगा, उसके सभी मनोरथ पूरे होंगे। इसीलिए यह क्या कहलाए, कलयुग के अवतार। और बाबा श्याम इनका नाम क्यों पड़ा, कृष्ण जी के अवतार के रूप। अब कृष्ण जी ने इनको बताया कि मैंने आपका शीश क्यों मांगा, क्योंकि युद्ध भूमि में पूजन के लिए तीनों लोकों के सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय की आहुति देनी पड़ती है, तो आप तीनों लोकों के सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय हो इसलिए मैंने आपका शीश मांगा। अब महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। इसके बाद पांडवों में बहस छिड़ गई कि अर्जुन ने ज्यादा लोगों का संहार किया या भीम ने ज्यादा लोगों का संहार किया। तो किसी ने कहा कि उस शीश से जाके पूछ लो, बर्बरिक से जाके पूछ लो। तो जब बर्बरिक जी से जाके पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैंने तो कृष्ण जी का चक्कर चलते हुए देखा था और द्रौपदी जी को काली के रूप में खून पीते हुए देखा था, रक्त को पीते हुए देखा था। इसके बाद इनके सर पर पुष्प वर्षा हुई और यही शीश खाटू गांव में अवतरित हुआ। तो खाटू गांव में जो बाबा श्याम का मंदिर है वहां किसकी पूजा की जाती है, इनके शीश की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है, इनके शीश की पूजा की जाती है। और अवतरित हुआ खाटू श्याम जी के मूल मंदिर की स्थापना 1027 ईस्वी में रूप सिंह जी और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर ने करवाई। खाटू श्याम जी के मूल मंदिर की स्थापना
1027 ईस्वी में रूप सिंह जी और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर ने करवाई। और यह मंदिर अपने वास्तविक स्वरूप में वर्तमान स्वरूप में कब आया? 1777 विक्रम संवत में। मारवाड़ के दीवान अभय सिंह ने मारवाड़ के शासक की आज्ञा से इस मंदिर का निर्माण करवाया। अब यहां से पेपर में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? खाटू श्याम जी का लक्खी मेला या सीकर का सबसे बड़ा मेला? तो आपका उत्तर होगा खाटू श्याम जी का मेला। कब लगता है? तो फागुन महीने की एकादशी को, फागुन शुक्ल एकादशी, फागुन शुक्ल एकादशी को किसका मेला लगता है? बाबा श्याम का मेला लगता है। यहां पर एक प्रश्न आता है, खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के किस अंग की पूजा की जाती है? शीश की। खाटू श्याम जी के पास में स्थित रिंगस कस्बे में बाबा श्याम के दड़ की पूजा, तो बाबा श्याम के दड़ की पूजा कहां की जाती है? तो रिंगस, रिंगस में बाबा श्याम के दड़ की पूजा की जाती है। यहीं से एक प्रश्न आता है, श्री माधोपुर के पास एक मोंडरो गांव है और मोंडरो गांव में बाबा श्याम का एक प्राचीन मंदिर मिला है जिसमें बाबा श्याम के एक नहीं दो दो शीश दिखाए गए हैं। ये देखिए, एक शीश नीचे और एक शीश ऊपर। तो दो शीश वाले बाबा श्याम की प्रतिमा कहां पर प्राप्त हुई? मोंडरो श्री माधोपुर। तो आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान दें। एक प्रश्न यहां से यह निकलता है, बाबा श्याम की पदयात्रा कहां से शुरू होती है? तो रिंगस। बाबा श्याम के 16 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की शुरुआत कहां से होती है? रिंगस कस्बे से होती है। इसके बाद बात करते हैं हम जीन भवानी माता की। चोरू के घांगू गांव में चौहान वंश के राजपूत घंगदेव जी के घर हर्ष तथा जीन ने जन्म लिया। दोनों बहन भाई एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते थे। घंगदेव जी ने अपना अंत समय नजदीक जानकर हर्ष की शादी काफी कम उम्र में कर दी थी। हर्ष की पत्नी भी जीन से अत्यधिक प्रेम करती थी, परंतु समय के साथ हर्ष और जीन के अत्यधिक प्रेम को देखकर हर्ष की पत्नी के मन में जीन के प्रति ईर्ष्या भाव भर गया। एक दिन दोनों ननद भौजाई पानी भरने के लिए गई हुई थी, रास्ते में इस बात को लेकर तकरार हो गई कि हर्ष किसे ज्यादा प्रेम करता है। तो शर्त लगी कि जिसका मटका पहले उतारेगा उससे ज्यादा प्रेम करता है। जब दोनों पानी लेकर घर पहुंची तो हर्ष को शर्त का ज्ञान न होने के कारण उसने पहले अपनी पत्नी का मटका उतार दिया। इससे जीन के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वह अपना मटका छोड़कर वहां से चली गई और काजल पर्वत पर, काजल शिखर पर जाकर तपस्या करने लग गई। हर्ष भी अपनी बहन को मनाने के लिए पीछे पीछे गया, परंतु जब जीन नहीं मानी तो हर्ष भी पास में स्थित एक ऊंचे पहाड़ पर जाकर भैरवनाथ की साधना करने लग गया और अपनी बहन का ध्यान रखने लग गया। इसी तपस्या के प्रभाव से हर्ष हर्षनाथ जी भैरव में समा गए और हर्षनाथ जी भैरव के नाम से जाने जाने लगे और जीन जीन माता शक्तिपीठ के रूप में अवतरित हुए। जीन माता से पेपर में प्रश्न आता है, जीन भवानी माता का मेला कब लगता है? तो नवरात्रों में। जीन भवानी माता कहां पर स्थित है? तो रड़ावता गांव, सीकर के पास में रेवासा गांव और रेवासा के पास में एक ग्राम पंचायत है रड़ावता ग्राम पंचायत। तो रड़ावता ग्राम पंचायत में क्या? जीन माता का मेला लगता है। ये चौहान वंश की आराध्य देवी, जीन माता क्या है? चौहान वंश की आराध्य देवी। अब दोस्तों प्रश्न आ जाए, चौहान वंश की आराध्य देवी कौन है? तो आपका उत्तर होगा जीन माता। और चौहान वंश की कुल देवी कौन है? तो शाकंभरी माता सांबर। चौहान वंश की कुल देवी शाकंभरी माता सांबर और चौहान वंश की आराध्य देवी जीन माता सीकर। मीना भाइयों की कुल देवी, मीना भाइयों की कुल देवी, तो आपका उत्तर होगा जीन माता। मीना भाइयों की कुल देवी कौन है? जीन माता। यहीं से एक प्रश्न आता है, भौरा वाली माता या मधुमक्खियों वाली माता किसे कहा जाता है?
तो आपका उत्तर होगा जीन भवानी माता। क्यों कहा जाता है? तो औरंगजेब की सेना हिंदू मंदिरों को तोड़ते हुए जब जीन माता के मंदिर को तोड़ने आई तो वहाँ पर उस सेना पर मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया, जिससे सेना डर गई और सेना को काफ़ी नुकसान हुआ। औरंगजेब ने माफ़ी मांगी माता से और कहा कि हे माता, हमें माफ़ कर दो और हम हर वर्ष आपके यहाँ सवा मन तेल का चढ़ावा भेजेंगे। सवा मन तेल का चढ़ावा कहाँ से आता था? माता के मंदिर में, मुगल दरबार से। ढाई प्याला शराब का भोग लगता था माता को, ढाई प्याला शराब या ढाई प्याला मदिरा का भोग माता को लगता था। पहले राजस्थान के जितनी भी लोक देवियां हैं उनमें से सबसे लंबा लोकगीत किस लोक देवी का है? तो आपका उत्तर होगा जीन भवानी माता का लोकगीत सबसे लंबा है और इसका नाम है चिरंजा लोकगीत। चिरंजा लोकगीत किससे संबंधित है? जीन भवानी माता से। राजस्थान की सभी देवियों में सबसे लंबा लोकगीत किसका है? तो जीन भवानी माता का। इसके बाद जीन भवानी माता से एक प्रश्न आता है, ये क्या है? एक तांत्रिक सिद्धपीठ। जीन भवानी माता क्या है? तांत्रिक सिद्धपीठ। तांत्रिक सिद्धपीठ होने के कारण यहां पर तंत्र मंत्र का इलाज किया जाता है, यहां पर तंत्र मंत्र का इलाज किया जाता है। जीन माता से एक प्रश्न और आता है, इनके मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो चौहान वंश के एक शासक थे हट्टड़देव। चौहान वंश का एक शासक था राजा हट्टड़, उसने किसका निर्माण करवाया? जीन माता के मंदिर का निर्माण करवाया। कब करवाया? दसवीं शताब्दी में, दसवीं शताब्दी में। इसके बाद हम बात करते हैं हर्षनाथ जी की। ये क्या थे भाई? जीन माता के भाई थे और हर्ष पर्वत आज सीकर का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होता जा रहा है, एक हिल स्टेशन के रूप में विकसित होता जा रहा है। यहां पर जो सबसे प्रमुख मंदिर है वो भगवान शिव का, हर्षनाथ महादेव का मंदिर है। हर्षनाथ महादेव का मंदिर यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में राजस्थान का एकमात्र मंदिर है जहाँ लिंगोद्भव प्रतिमा मिली है। एकमात्र लिंगोद्भव प्रतिमा राजस्थान के किस मंदिर में मिली है? तो हर्षनाथ जी महादेव के मंदिर में एकमात्र लिंगोद्भव प्रतिमा। लिंगोद्भव प्रतिमा क्या होती है दोस्तों? भगवान शिव का शिवलिंग बना हुआ है और उसके पास में भगवान शिव की प्रतिमा भी स्थापित है। तो राजस्थान का एकमात्र लिंगोद्भव शिवलिंग वाली प्रतिमा कहाँ है? हर्षनाथ जी के मंदिर में। इनको चौहान वंश का कुल देवता कहते हैं। हर्षनाथ जी को चौहान वंश का कुल देवता। हर्षनाथ जी को प्रकाश में लाने का श्रेय सार्जेंट ई डीन को, यह हर्ष नामक स्थान को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसे जाता है? सार्जेंट ई डीन। प्राचीन काल में हर्षनाथ मंदिर, यह देखिए हर्षनाथ मंदिर, यहां पर एक छत के नीचे 84 मंदिर थे। एक छत के नीचे कितने मंदिर थे? 84 मंदिर थे, लेकिन औरंगजेब ने इन मंदिरों को तुड़वा दिया। हर्षनाथ जी पर एक पवन ऊर्जा परियोजना भी है। अगर प्रश्न आ जाए हर्ष परियोजना का संबंध किससे है, तो आपका उत्तर होगा पवन ऊर्जा से। हर्ष परियोजना पवन ऊर्जा से संबंधित है। इसके बाद पैराग्लाइडिंग के लिए शेखावाटी का कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? तो आपका उत्तर होगा हर्ष पर्वत, हर्ष की पहाड़ियां। तो पैराग्लाइडिंग क्या होती है? ये देखो, गुब्बारों में हवा भरकर इनके साथ उड़ना, तो पैराग्लाइडिंग। ये वर्तमान में किस रूप में विकसित होता जा रहा है? एक बड़े हिल स्टेशन के रूप में विकसित होता जा रहा है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं बालेश्वर महादेव मंदिर। बालेश्वर महादेव मंदिर नीम का थाना के पास में स्थित है, नीम का थाना के पास। यहां पर बालेश्वर महादेव का शिवलिंग है और इस शिवलिंग के पीछे एक गुल्लर का पेड़ है जिसमें से निरंतर पानी बहता रहता है और वो एक कुंड में जाकर गिरता है। और ऐसा बताते हैं कि उस कुंड का पानी कभी भी क्या खत्म नहीं होता। बालेश्वर महादेव का मंदिर कहां है? नीम का थाना के पास। फिर बात आती है शाकंभरी माता। दोस्तों पूरे भारत में शाकंभरी माता के तीन मंदिर हैं। एक सकराय सीकर, पहला मंदिर कहां है? सकराय सीकर, उदयपुर वाटी के पास। दूसरा मंदिर सांबर
और तीसरा मंदिर यूपी के सहारनपुर में, दो मंदिर तो राजस्थान में और तीसरा यूपी के सहारनपुर में। तो पेपर में प्रश्न आ जाए भारत में शाकंभरी माता के कितने मंदिर हैं या कितनी पीठ हैं, तो आपका उत्तर होगा तीन। पहली शाकंभरी माता सकराय उदयपुर वाटी सीकर, दूसरा शाकंभरी माता सांबर और तीसरा शाकंभरी माता का मंदिर सहारनपुर यूपी। इनमें से अपन इसको छोड़ देते हैं और ये है खंडेल वालों की कुल देवी। शाकंभरी माता किसकी कुल देवी है? खंडेल वालों की कुल देवी। तो कौन सी शाकंभरी माता है जिनका मंदिर कहाँ है? सकराय सीकर। सकराय सीकर वाली शाकंभरी माता तो किसकी कुल देवी है? खंडेल वालों की कुल देवी। और सांबर में जो शाकंभरी माता का मंदिर है वो क्या है? चौहानों की कुल देवी, चौहानों के आराध्य देवी जीन माता। और चौहानों की कुल देवी तो सांबर स्थित शाकंभरी माता और सकराय उदयपुर वाटी स्थित शाकंभरी माता खंडेल वालों की कुल देवी हैं। इस मंदिर का निर्माण सिद्धराज जी चौहान ने करवाया और ऐसा बताते हैं कि प्राचीन काल में यहां पर पांडवों ने अपने परिजनों का वध किया था, तो उस पाप से मुक्ति के लिए उन्होंने यहाँ पर क्या की थी? तपस्या। युधिष्ठिर सहित सभी पांडवों ने प्राचीन काल में अपने परिजनों की हत्या के पाप से मुक्ति के लिए कहाँ पर तपस्या की? तो शाकंभरी माता सीकर, शाकंभरी माता सकराय सीकर। यहाँ से एक प्रश्न और आता है, यह अरावली की पहाड़ियों में स्थित है और इसके आस पास में क्या है? आम्रकुंज, आम के बहुत सारे पेड़ों का वन है आम्रकुंज। यह हो गया अपना शाकंभरी माता, कितने मंदिर हैं? तीन मंदिर। इसके बाद गणेश्वर सभ्यता। सबसे पहले हम बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता के उपनामों की। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। तो इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी इसलिए कहा जाता है कि राजस्थान में जितनी भी ताम्रयुगीन सभ्यताएं हैं उनमें सबसे पुरानी कौन सी है? तो गणेश्वर सभ्यता। और राजस्थान में जितनी भी ताम्रयुगीन सभ्यताएं हैं उन सबको हथियारों की आपूर्ति, उपकरणों की आपूर्ति कहां से होती थी? तो गणेश्वर से होती थी, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। और इसका काल क्या है? तो 2800 ईसा पूर्व। इसकी खोज किसने की? 1977 में रतनचंद अग्रवाल, आरसी अग्रवाल ने। आ जाए गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की? 1977 में आरसी अग्रवाल। ये कितनी पुरानी है? 2800 ईसा पूर्व इसका काल माना जाता है और इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं के जननी कहा जाता है। इसका एक अन्य नाम ताम्र संचयी सभ्यता, ताम्र संचयी सभ्यता। एक अन्य नाम पुरातत्व का पुष्कर, पुरातत्व का पुष्कर किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा गणेश्वर सभ्यता, नीम का थाना सीकर। गणेश्वर सभ्यता कहाँ है भाई? नीम का थाना के पास, नीम का थाना में, नीम का थाना सीकर। कौन सी नदी पर है गणेश्वर सभ्यता? तो कांतली नदी। कांतली नदी के सहारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई? गणेश्वर सभ्यता। यहां पर क्या हुआ? एक मछली पकड़ने का कांटा और अन्य औजार मिले, लेकिन ये कांटा अपने किस काम का है? भाई मछली पकड़ने का कांटा था, इसका मतलब इस समय के लोग, इस सभ्यता के लोग मांसाहार का सेवन करते थे, इसके प्रमाण मिले। यहां से जो मकान प्राप्त हुए हैं वो ईंटों से निर्मित ना होकर के से पत्थरों से निर्मित। तो गणेश्वर सभ्यता के मकान किससे निर्मित थे? पत्थरों से निर्मित। ईंटों के स्थान पर किससे निर्मित थे? पत्थरों से निर्मित। गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, इसका काल 2800 ईसा पूर्व, 1977 में इसकी खोज रतनचंद्र जी अग्रवाल ने की। इसका एक नाम ताम्र संचय सभ्यता, एक अन्य नाम पुरातत्व का पुष्कर। कांतली नदी के किनारे विकसित हुई, नीम का थाना में स्थित है। इसके मकान ईंटों से निर्मित न होकर पत्थरों से निर्मित हैं। यहाँ पर एक मछली पकड़ने का कांटा मिला जिससे सिद्ध होता है कि क्या यहाँ पर यहाँ के लोग, इस सभ्यता के लोग मांसाहार का सेवन करते थे। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर गालव ऋषि ने तपस्या की थी। किसने? गालव ऋषि ने। और यहाँ एक झरना बहता है गर्म पानी का और ऐसा बताते हैं कि उस झरने के पानी से नहाने पर
चरम रोग नष्ट हो जाते हैं क्योंकि उस पानी में सल्फर या गंधक पाई जाती है। तो क्या गणेश्वर झरना या गालव गंगा या गालव झरना कहां पर स्थित है? तो गणेश्वर में। यहां पर जो मेन मंदिर है वो किसका है? गणेश्वर महादेव का। और ऐसा बताते हैं प्राचीन काल में एक सांप इस मंदिर को रोज क्या कराया करता था? इस झरने के पानी से स्नान कराया करता था। तो गालव ऋषि की तपोस्थली कहाँ है? गणेश्वर में। गालव झरना या गालव गंगा कहाँ है? गणेश्वर में। कौन से स्थान पर गर्म पानी का झरना बहता है जिससे चरम रोग ठीक हो जाते हैं? तो गणेश्वर नीम का थाना। और गणेश्वर में जो प्रमुख मंदिर है वो किसका है? भगवान शिव का, प्राचीन मंदिर। इसके बाद दोस्तों दो चीजों का ध्यान रखना। गणेश्वर सभ्यता के लोग तांबा धातु प्रयोग करते थे। तांबा मनुष्य के द्वारा प्रयोग में ली गई प्रथम धातु है। मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु काम में ली थी? तांबा धातु। और इससे स्पष्ट होता है कि गणेश्वर सभ्यता के लोगों को धातु क्रम का ज्ञान नहीं था। धातु क्रम का मतलब होता है कि दो धातुओं को मिलाकर तीसरी धातु का निर्माण करना या मिश्र धातु का निर्माण करना, जैसे तांबा और जस्ता को मिलाकर पीतल बनाते हैं। तो ध्यान रखना सिंधु गणेश्वर सभ्यता के लोगों को धातु क्रम का ज्ञान नहीं था। और ये कौन सी धातु काम में लेते थे? तांबा धातु। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम काम में ली गई धातु तांबा। ख्वाजा नजमुद्दीन जी की दरगाह कहां है? फतेहपुर। यहां जब उर्स लगता है तो हजारों जायरीन आते हैं। ख्वाजा नजमुद्दीन जी की दरगाह फतेहपुर और उर्स में हजारों जायरीन भाग लेते हैं। सरस्वती पुस्तकालय फतेहपुर, इस पुस्तकालय में दुर्लभ पुस्तकें वह प्राचीन पांडुलिपियों के भंडार है। वह दुर्लभ प्राचीन पांडुलिपियों के भंडार। तो ध्यान रखना सरस्वती पुस्तकालय कहां है? तो फतेहपुर। और इसमें क्या है? दुर्लभ पुस्तकें वह दुर्लभ प्राचीन पांडुलिपियां। इसमें कुछ पुस्तकें और पांडुलिपियां तो ऐसी हैं जो संसार में अन्य कहीं नहीं मिलती। सप्त गौ माता मंदिर रेवासा, राजस्थान का पहला सप्त गौ माता मंदिर कहां पर स्थित है? रेवासा सीकर। इस मंदिर में एक साथ सात गर्भवती गायों की पूजा की जाती है। सप्त गौ माता मंदिर रेवासा सीकर। और इस मंदिर के बीचों बीच भगवान कृष्ण की 700 साल पुरानी मूर्ति, रखी हुई है। बुद्धगिरी महाराज की मढ़ी फतेहपुर, कहाँ है? फतेहपुर। फतेहपुर के पास में एक शिव मंदिर था और इस शिव मंदिर में एक 35 वर्षीय साधु बुद्धगिरी जी महाराज ने क्या ली थी? समाधि ली थी। और इसीलिए यहाँ पर बुद्धगिरी जी की याद में प्रतिवर्ष मेला लगता है और उसमें हजारों लोग भाग लेते। खंडेला धाम, दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खंडेला के पास में खंडेलवाल वैश्य समाज द्वारा निर्मित, इस मंदिर का एक अन्य नाम है खंडेलवाल वैश्य समाज मंदिर। तो दोस्तों इस मंदिर की विशेषता क्या है? इस मंदिर में जो सबसे प्रमुख मंदिर है ना वो तो है गणेश जी का। इस मंदिर में एक मंदिर नहीं है, मंदिरों की श्रृंखलाएं हैं। ये देखो आप मंदिरों की श्रृंखलाएं, तो प्रमुख मंदिर तो है गणेश जी का। इसके पास में एक हनुमान जी की विशाल प्रतिमा है और 37 कुल देवियों के मंदिर श्रृंखलाबद्ध रूप से बने हुए हैं। तो राजस्थान के कौन से मंदिर में 37 कुल देवियों के मंदिर और उन 37 के अलग अलग शिखर या गुंबज बने हुए हैं? तो खंडेला धाम या खंडेलवाल वैश्य समाज मंदिर खंडेला। और यहां पूरी 37 कुल देवियों के क्या है? मंदिरों की श्रृंखला। गणेश जी का मंदिर प्रमुख और हनुमान जी की एक बड़ी मूर्ति इसमें लगी हुई है। काल भैरव का मंदिर भी इसमें बना हुआ है और इसमें यह पर्यटन आने वाले समय में सीकर का एक बड़ा पर्यटक स्थल हो सकता है। इसके बाद रघुनाथगढ़, यह अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला के तीन हिस्से हैं। अरावली पर्वतमाला को तीन भागों में बांटा गया है, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। अगर आपसे कोई पूछे
कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका उत्तर होगा गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। और यदि आपसे कोई पूछे उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, तो आपका उत्तर होगा रघुनाथगढ़। और रघुनाथगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है, 1055 मीटर। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, कहां है, माउंट आबू सिरोही, माउंट आबू सिरोही। आ जाए उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़, कितनी ऊंची है, 1055 मीटर। अरावली को कितने भागों में बांटा जा सकता है, 3 भागों में, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। इसके बाद देवगढ़ दुर्ग, देवगढ़ दुर्ग हमने प्रतापगढ़ में भी पढ़ा था, और देवगढ़ दुर्ग कहाँ है, सीकर में भी। अगर किसी को सीकर में ऊंचे स्थानों पर घूमने का शौक हो तो देवगढ़ दुर्ग एक उचित स्थान है। तो देवगढ़ दुर्ग कहाँ है, सीकर में। फतेहपुर दुर्ग, फतेहपुर दुर्ग का निर्माण फतेह का कायम खानी, फतेहपुर दुर्ग का निर्माण फतेह का कायम खानी ने करवाया। दोस्तों ये सीकर की प्राचीन राजधानी भी था, फतेहपुर दुर्ग क्या था, सीकर की राजधानी। इसमें एक महल है तेलिनका महल, तो आ जाए तेलिनका महल कहां पर स्थित है, तो फतेहपुर दुर्ग के अंदर। राजस्थान का पहला केवीके कृषि विज्ञान केंद्र कहां पर है, तो फतेहपुर सीकर। यहीं से आप दो प्रश्नों का ध्यान रखना, सीकर का एकमात्र राज्य सरकार द्वारा संरक्षित स्थल, सीकर का एकमात्र राज्य सरकार द्वारा संरक्षित स्थल, तो आपका उत्तर होगा फतेहपुर दुर्ग, फतेहपुर दुर्ग सीकर। और सीकर का एकमात्र स्थल जो केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित है, सीकर का एकमात्र स्थल जो केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित है, तो आप ध्यान रखना हर्षनाथ महादेव, हर्षनाथ महादेव महामेरु शैली में निर्मित, महामेरु शैली में निर्मित हर्षनाथ महादेव। अपन पहले पढ़ के आए ना हर्षनाथ महादेव, महामेरु शैली में निर्मित है और राज्य सरकार द्वारा संरक्षित सीकर का एकमात्र स्थल फतेहपुर दुर्ग, और केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित, केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित सीकर का एकमात्र स्थल कौन सा है, महामेरु शैली में निर्मित हर्षनाथ महादेव। यहां पर संरक्षित का मतलब क्या है, ऐसे स्थल जिनके रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार ले, वो राज्य सरकार द्वारा संरक्षित स्थल, और ऐसे स्थल जिनके रखरखाव की जिम्मेदारी केंद्र सरकार ले, तो वो क्या कहलाएंगे, केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्थल। तो सीकर में एक तो केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्थल है हर्षनाथ महादेव, और एक राज्य सरकार द्वारा संरक्षित स्थल है फतेहपुर दुर्ग। लक्ष्मणगढ़ दुर्ग, लक्ष्मणगढ़ दुर्ग का निर्माण राव लक्ष्मण सिंह जी ने, राव लक्ष्मण सिंह जी ने कब करवाया, 1805 में। और इस दुर्ग के अंदर होली के अवसर पर गिंदर नृत्य, होली के अवसर पर गिंदर नृत्य कहां होता है, लक्ष्मणगढ़ दुर्ग में। इसका निर्माण किसने करवाया, राव लक्ष्मण सिंह जी ने, कब करवाया, 1805 में। अब हम बात करते हैं रिंगस, तो रिंगस में एक तो प्राचीन भैरव मंदिर है, प्राचीन भैरव मंदिर। एक खाटू श्याम जी की पदयात्रा कहां से प्रारंभ होती है, रिंगस से, कितने किलोमीटर लंबी, 16 किलोमीटर लंबी। खाटू श्याम जी के दड़ की पूजा कहां की जाती है, तो रिंगस में। लेकिन एक वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है रिंगस से, हाल ही में रिंगस में एक रेल ओवर रेल ब्रिज, रेल ओवर रेल ब्रिज का निर्माण हुआ है, जिसकी कुल लंबाई 7.8 किलोमीटर, इसमें से 3.5 किलोमीटर की लंबाई तक तो ये किस पे खड़ा है, 173 पिलरों पे। तो आ जाए राजस्थान का पहला रेल ओवर रेल ब्रिज, राजस्थान का सबसे लंबा रेल ओवर रेल ब्रिज किस स्थान पर बनाया गया है, तो रिंगस में।
इसके कुल लंबाई 7.8 केम, इनमें से पिलरों के ऊपर कितनी दूरी में खड़ा है 3.5 किलोमीटर और कुल पिलरों की संख्या कितनी है 173। तो ये देखो नीचे रेल, रेल के ऊपर फिर रेल। और एक रिंगस से इंपॉर्टेंट पर्सन यह भी है कि आपके गुरुजी कहां रहते हैं, तो रिंगस में रहते हैं, सांगलिया दूना सीकर। सांगलिया दूना कहां है? सीकर में। बाय का दशहरा। तो दोस्तों भगवान श्री राम ने भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन रावण का वध किया था और इस दिन को बुराई पर अच्छाई की सच्चाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस दिन पूरे भारत में दशहरा मेला लगता है, दशहरा मेला दशहरा उत्सव का आयोजन किया जाता है। परंतु भारत का सबसे प्रसिद्ध दशहरा है मैसूर का दशहरा। मैसूर कहाँ है भाई? कर्नाटक में। भारत का सबसे प्रसिद्ध दशहरा मेला कौन सा है? तो मैसूर का दशहरा मेला कर्नाटक। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध दशहरा मेला तो आपका उत्तर आएगा कोटा दशहरा मेला। कोटा दशहरा मेला राजस्थान का दूसरा सबसे प्रसिद्ध दशहरा मेला तो सीकर में एक बाय गांव है और इस बाय गांव का दशहरा मेला राजस्थान का दूसरा सबसे प्रसिद्ध दशहरा मेला है। क्यों? क्योंकि इसकी विशेषता है कि इसमें दशहरे के दिन, इस मेले में दशहरे के दिन एक तरफ राम जी की सेना एक तरफ रावण की सेना को आपस में युद्ध करते हुए दिखाया जाता है और ऐसा लगता है जैसे वास्तव में युद्ध हो रहा हो। उस युद्ध का क्या किया जाता है? सजीव चित्रण किया जाता है। इसलिए यह मेला प्रसिद्ध है। देखो यह राम जी की सेना, बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है ना जैसे सजीव चित्रण। इसके सामने रावण की सेना आएगी और दोनों में आपस में क्या होगा? युद्ध होगा। और यह युद्ध का कैसा चित्रण होगा? सजीव चित्रण। तो राम और रावण की सेनाओं के मध्य युद्ध का सजीव चित्रण कौन से दशहरे मेले में होता है? तो बाय के दशहरा मेले में होता है। भारत का सबसे प्रसिद्ध दशहरा मेला मैसूर का दशहरा और राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध दशहरा मेला कोटा का दशहरा मेला और राजस्थान का दूसरा सबसे प्रसिद्ध दशहरा मेला बाय का दशहरा मेला। सीकर के अन्य प्रसिद्ध स्थलों में देवीपुरा बालाजी, शक्ति स्थल डाडन, दौद का पशु मेला, माल केतु या माल खेत की पहाड़ियां, माल केतु या माल खेत की पहाड़ियों का विस्तार सीकर के साथ साथ झुंझुनू जिले में भी है। आप ध्यान रखना अगर पेपर में प्रश्न आ जाए माल खेत की पहाड़ियां कौन से जिलों में विस्तृत है, पहला उत्तर आएगा सीकर झुंझुनू। अगर ऑप्शन में सीकर झुंझुनू दोनों साथ नहीं हो, अलग अलग हो, तो सीकर में इसका विस्तार अधिक होने के कारण माल खेत की पहाड़ियां किसके अंतर्गत आ जाएंगी? सीकर के अंतर्गत। रेशमा महल, सीकर में रेशमा महल है और इसका संबंध नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री गिरजा प्रसाद कोइराला जी से है। जोजार जी का मेला, तो जोजार जी है गोरक्षक लोक देवता है और ऐसा बताते हैं कि इनका जन्म सीकर के इमलोहा गांव में हुआ था और इनका मेला शाल देड़ा नीम का थाना में भरता है। गोरक्षक देवता। एक प्रश्न और ध्यान रखना, मोंडवाड़ा का साईं मंदिर, मोंडवाड़ा का साईं मंदिर किस जिले में स्थित है? तो सीकर। मोंडवाड़ा का साईं मंदिर सीकर में। अब इसके बाद सीकर की हवेलियां, शेखावाटी की हवेलियां मैंने किसके लिए प्रसिद्ध बताई थी पिछले वीडियो में? भित्ति चित्र या फ्रेस्को पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध होने के कारण शेखावाटी की हवेलियों को राजस्थान की ओपन आर्ट गैलरी के रूप में जाना जाता है। भित्ति चित्रण का मतलब क्या होता है? दीवारों पर बनाए गए चित्र। देखो यह दीवारों पर चित्र बनाए गए, इसी को हम क्या कहते हैं? भित्ति चित्रण या फ्रेस्को पेंटिंग या आला गीला। तो दोस्तों यह सीकर की भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध हवेलियां हैं। इसमें आपको दो प्रश्नों का ध्यान रखना है। अगर आ जाए शेखावाटी की हवेलियां किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो भित्ति चित्रण या फ्रेस्को पेंटिंग। लेकिन राजस्थान में भित्ति चित्रण के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हवेलियां कौन सी हैं? तो कोटा बूंदी की हवेलियां, ध्यान रखना है आपको। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल, इनका जन्म तो हुआ महाराष्ट्र में और इनकी शादी हुई लोसल। लोसल कहां पड़ता है भाई? सीकर में। तो श्रीमती प्रतिभा देवी जी पाटिल का जन्म महाराष्ट्र में और इनकी शादी लोसल के देवी सिंह जी पाटिल से हुई।
ये राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल है और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है। पेपर में क्वेश्चन आ जाए भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन है, श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल। भैरव सिंह जी शेखावत, इनका जन्म खाचरियावास गांव, सीकर में एक गांव है खाचरियावास, और खाचरियावास गांव में किसका जन्म हुआ, भैरव सिंह जी शेखावत का। यहां के लोग इनको प्यार से क्या कहते हैं, बाबोसा। क्या, बाबोसा। ये राजस्थान के एकमात्र व्यक्ति हैं जो उपराष्ट्रपति बने, राजस्थान से उपराष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है, भैरव सिंह जी शेखावत। राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, देखो गैर कांग्रेसी का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसका संबंध कांग्रेस से न हो, तो राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने 1977 के अंदर, भैरव सिंह जी शेखावत। कौन सी पार्टी से, जनता पार्टी से, ये कांग्रेस पार्टी से न होकर कौन सी पार्टी से थे, जनता पार्टी से। और ये कुल तीन बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, पहली बार जनता पार्टी का नेतृत्व किया और शेष दो बार इन्होंने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का नेतृत्व किया। तो इनसे क्या पूछा जा सकता है, राजस्थान का एकमात्र व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति बना या राज्यसभा का सभापति बना, तो आपका उत्तर होगा भैरव सिंह जी शेखावत। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो आपका उत्तर होगा उपराष्ट्रपति। राजस्थान का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री या राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री जिसका संबंध कांग्रेस से नहीं रहा, आपका उत्तर होगा भैरव सिंह जी शेखावत। इनका जन्म खाचरियावास, पहली बार जनता पार्टी का नेतृत्व किया और शेष दो बार भारतीय जनता पार्टी का, उपनाम बाबूसा। शिक्षा संत केशवानंद, केशवानंद जी का जन्म लक्ष्मणगढ़ के मंगलूणा गांव में, केशवानंद जी का जन्म कहां हुआ, लक्ष्मणगढ़ के मंगलूणा गांव में। और दोस्तों इन्होंने ग्रामोत्थान विद्यापीठ की स्थापना कहां की, सांगरिया हनुमानगढ़। ग्रामोत्थान विद्यापीठ की स्थापना किसने की, तो केशवानंद जी ने। कहां पर की, तो सांगरिया हनुमानगढ़ में। आ जाए राजस्थान के शिक्षा संत कौन कहलाते हैं, केशवानंद जी। केशवानंद जी के जन्म स्थली लक्ष्मणगढ़ का मंगलूणा गांव, और इन्होंने ग्रामोत्थान विद्यापीठ की स्थापना कहां पर की, सांगरिया हनुमानगढ़। जमनालाल जी बजाज, गांधी जी के पांचवें पुत्र। दोस्तों इनका जन्म सीकर के काशिकाबास में एक गरीब परिवार में हुआ, परंतु 5-7 साल की उम्र में महाराष्ट्र के वर्धा के एक अमीर परिवार ने इनको क्या कर लिया, गोद ले लिया। और ये देश के बड़े उद्योगपति थे, समाज सेवी थे और राष्ट्रीय आंदोलन के बड़े भामाशाह के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने क्या किया, 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन चल रहा था और वहां पर गांधी जी से कहा कि आप मुझे अपने पांचवें पुत्र के रूप में स्वीकार कर लें, और गांधी जी ने इनको अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। तो गांधी जी का पांचवां पुत्र किसे कहते हैं, जमनालाल जी बजाज। जन्म काशिकाबास, पालन पोषण वर्धा महाराष्ट्र। इसके बाद प्रश्न आ जाए ये कौन थे, तो देश के महान उद्योगपति, महान समाजसेवी और राष्ट्रीय आंदोलन के महान भामाशाह। इनकी पत्नी जानकी देवी बजाज, जमनालाल बजाज की पत्नी कौन थी, जानकी देवी बजाज। भारत की पद्म विभूषण से सम्मानित प्रथम महिला, भारत का सबसे बड़ा सम्मान, सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्मश्री। तो यहां पर दो चीजों का ध्यान रखना, अगर प्रश्न आ जाए भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार तो भारत रत्न, और भारत का सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार तो पद्म विभूषण। इसके बाद इनको कब मिला भाई ये पद्म विभूषण, तो 1956 में। भारत की प्रथम महिला जिसे पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया, तो आपका उत्तर होगा जानकी देवी बजाज। किसकी पत्नी थी, जमनालाल बजाज की। कब मिला, 1956 में। अब हम बात करते हैं डूंगर जी शेखावत और जवाहर जी शेखावत। सीकर में एक ठिकाना है बठौट पाटोदा, इस ठिकाने में ये दो चचेरे भाई थे, डूंग जी और जवाहर जी। अंग्रेजों ने क्या किया, शेखावाटी में अंग्रेजों के खिलाफ उठ रही आवाजों को, उठ रहे सुरों को दबाने के लिए शेखावाटी ब्रिगेड का गठन किया, और उस शेखावाटी ब्रिगेड में कौन थे, डूंगर जी भी थे। लेकिन डूंगर जी के मन में
अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह फूट पड़ा और इन्होंने अंग्रेजों से विद्रोह कर दिया। और ये क्या करने लगे, अंग्रेजों के अधीन जो क्षेत्र आते थे उनमें लूटपाट करते और उस लूटे हुए धन को अपने काम में न लेकर गरीबों में बांट देते थे, गरीब जनता में बांट देते थे और गरीब जनता में चेतना और जागृति पैदा करते थे। इसीलिए इनको कहा जाता है शेखावाटी के रॉबिनहुड, शेखावाटी के रॉबिनहुड, और शेखावाटी के प्रथम क्रांतिकारी भी इनको कह सकते हैं। शेखावाटी के अग्रिम पंक्ति के क्रांतिकारी कौन थे, डूंग जी और जवाहर जी। 1857 की क्रांति से जस्ट थोड़ा सा पहले इनकी क्या हुई थी, मृत्यु। तो यहाँ पर आपको यह ध्यान देना है, डूंग जी जवाहर जी का संबंध बठोट पाटोड़ा ठिकाने से, और अंग्रेजों ने शेखावाटी में हो रहे विद्रोह को दबाने के लिए, सुरों को दबाने के लिए किसका गठन किया, शेखावाटी ब्रिगेड का गठन किया। शेखावाटी के रॉबिनहुड कौन कहलाते हैं, डूंग जी जवाहर जी। शेखावाटी के अग्रिम पंक्ति के क्रांतिकारियों में किसका नाम आता है, डूंग जी जवाहर जी। इसके बाद लोहटिया जाट, दोस्तों सीकर के रिंगस कस्बे में लौटू निठारवाड़ का जन्म हुआ। इसकी हाइट 6 फुट 11 इंच और वजन 130 किलो था। बाद में इसका परिवार रिंगस छोड़कर बठोट पाटोदा चला गया और वहां पर इनकी मुलाकात डूंग जी जवाहर जी से हुई। जब डूंग जी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके उस समय के भारत की सबसे सुरक्षित जेल आगरा जेल में कैद कर लिया, तो लौटू जाट ने अपने एक साथी सावंता मीणा के साथ मिलकर साधु का वेश बनाकर आगरा के जेल का मौका मुआयना किया और उसके बाद 400-500 लोगों के साथ मिलकर बारात के रूप में आगरा गए। वहाँ किसी के मामा जी, भाई इनमें से किसी के मामा जी का बोले देहांत हो गया, इस वजह से इन्होंने क्या किया, वहाँ पर बारात को 10-15 दिन तक रोके रखा और बाद में एकदम से आगरा की जेल पर धावा बोल दिया और आगरा की जेल में बंद सभी कैदियों को छुड़ा दिया था। तो लोठिया जाट, सावंता मीणा और करणा मीणा ये किसके साथी थे, तो डूंग जी जवाहर जी के साथी थे। रूप कंवर, राजस्थान की अंतिम सती रूप कंवर, इनके पति का नाम माल सिंह शेखावत। इनका जन्म कहाँ हुआ, तो जयपुर में, और इनकी शादी कहाँ हुई, तो सीकर के दिवराड़ा गांव में। तो राजस्थान की अंतिम सती कौन है, रूप कंवर। पति का नाम माल सिंह जी शेखावत, जन्म जयपुर और ससुराल दिवराड़ा, और ये कब सती हुई है अपने पति के साथ, 1987 में। तो राजस्थान की अंतिम सती रूप कंवर, रूप कंवर सत्यकांड कब हुआ, 1987 में। ओम प्रकाश मिठारवाल, शूटिंग या निशानेबाजी, यह खिलाड़ी है राजस्थान के, भारत के, और इनका संबंध किस खेल से है, शूटिंग या निशानेबाजी से, श्री माधोपुर के। बजरंग लाल जी ताकर, तो बाय के पास एक मगनपुरा गांव पड़ता है और वहां के यह भी खिलाड़ी है, नौकायन या रोइंग। नौकायन क्या होती है भाई, नौका यानी नाव, और नावों की जो दौड़ होती है उसको क्या कहते हैं, नौकायन या रोइंग। सुरेश जी मिश्रा, तो इनका जन्म लक्ष्मणगढ़ में हुआ और ये वॉलीबॉल के टाइगर के नाम से जाने जाते हैं और इन्होंने भारतीय टीम की कैप्टनशिप भी की थी। तो वॉलीबॉल का टाइगर किसे कहा जाता है भाई, सुरेश मिश्रा, कहाँ के थे, लक्ष्मणगढ़ के, और इन्होंने भारतीय टीम का क्या किया, नेतृत्व भी किया। करपाल सिंह जी शेखावत, ब्लू पॉटरी का जादूगर, ब्लू पॉटरी का जादूगर। अब दोस्तों देखो, पॉटरी किसे कहते हैं, तो पॉट यानी बर्तन, पॉट यानी बर्तन, और पॉटरी यानी बर्तन पर की गई चित्रकारी। तो ब्लू पॉटरी क्या है, तो चीनी मिट्टी के बर्तन पर नीले रंग से की गई चित्रकारी क्या है भाई, ब्लू पॉटरी। ये देखो, ये चीनी मिट्टी के बर्तन है और इनके ऊपर ये नीले रंग से खूबसूरत कलाकृतियां बनाई गई हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ब्लू पॉटरी। और ब्लू पॉटरी का जादूगर किसे कहा जाता है, करपाल सिंह जी शेखावत। ये ब्लू पॉटरी लाई कहां से गई थी, ईरान या पर्शिया, ईरान या पर्शिया। ब्लू पॉटरी प्रसिद्ध कहां की है, तो आप ध्यान रखना, जयपुर की। ब्लू पॉटरी का विकास सबसे ज्यादा किसके समय में हुआ, राम सिंह द्वितीय, जयपुर के शासक सवाई राम सिंह द्वितीय के समय ब्लू पॉटरी का सर्वाधिक विकास हुआ। यहां पर आप एक चीज का ध्यान और देना,
करपाल सिंह जी शेखावत कहां के दरबारी थे? जयपुर के। लेकिन इनका जन्म कहां हुआ? तो सीख करके श्री माधोपुर के पास मऊ गांव में, मऊ गांव में। तो करपाल सिंह जी शेखावत को क्या कहा जाता है? ब्लू पॉटरी का जादूगर। ब्लू पॉटरी क्या है? चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग से की गई चित्रकारी। कहां से ली गई? ईरान या पर्शिया से। ब्लू पॉटरी कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की। ब्लू पॉटरी का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ? जयपुर के शासक सवाई राम सिंह द्वितीय के समय में। और करपाल सिंह जी शेखावत का जन्म कहां हुआ? मऊ में। और करपाल सिंह जी शेखावत कहां के दरबारी थे? तो जयपुर के दरबारी थे। सीकर किसान आंदोलन, इसका पीरियड माना जाता है 1922 से 1935। सीकर के 56% खेतों पर जाट जाति के किसान खेती करते थे। 1922 में राव राजा कल्याण सिंह सीकर की गद्दी पर बैठे तो इन्होंने अपनी ताजपोशी और पिछले शासक के अंतिम संस्कार के नाम पर जो टैक्स या लगान की दर थी वो 25% से बढ़ाकर कितनी कर दी? 50%। और जरीब का आकार छोटा कर दिया। जरीब क्या है? भूमापन की है कि पद्धति। तो एक तो इन्होंने क्या किया, जरीब का आकार छोटा मतलब खेतों का आकार छोटा कर दिया, और दूसरा लगान बढ़ाकर 25% से कितना कर दिया? 50%। और उसके पीछे तर्क क्या दिया कि इस साल एक तो मेरी ताजपोशी है, दूसरा जो पिछले शासक है उनका अंतिम संस्कार हुआ है, तो इस साल आप ये टैक्स भरिए, अगले साल आपका ये टैक्स क्या कर दिया जाएगा, इसमें रियायत दे दी जाएगी। तो 1923 में क्या किया इन्होंने, वापस रियायत नहीं दी, 50% टैक्स को रखा। तो सीख करके जाट किसान क्या हो गए? इसके विरोध में संगठित हो गए और इनकी आवाज को हिंसात्मक तरीके से दबाने की कोशिश की गई। इन पर कई प्रकार की जातियां की गई, जिसका उल्लेख रामनारायण जी चौधरी ने तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र के माध्यम से भारत में किया, और डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र के माध्यम से इंग्लैंड में भी इस आंदोलन के पक्ष में लेख प्रकाशित करवाए, जिससे ब्रिटेन की संसद का ध्यान इस ओर गया। तो यह राजस्थान का एकमात्र किसान आंदोलन था जिसका जिसकी गूंज ब्रिटिश संसद में भी सुनाई दी। पेपर में प्रश्न आ जाए, राजस्थान का वह कौन सा किसान आंदोलन है जिसकी गूंज ब्रिटिश संसद में सुनाई दी? तो आपका उत्तर होगा सीकर किसान आंदोलन। सीकर किसान आंदोलन की गूंज ब्रिटिश संसद तक पहुंचाने का श्रेय किसे जाता है? रामनारायण जी चौधरी। तो रामनारायण जी चौधरी के बारे में आप एक चीज ध्यान रखना, ये नीम का थाना के अग्रवाल जाति के व्यापारी थे। नीम का थाना के अग्रवाल जाति के व्यापारी थे। अब दोस्तों क्या हुआ, 1931 में राजस्थान क्षेत्रीय जाट सभा का गठन किया गया ठाकुर देशराज जी के अध्यक्षता में। अब ये ठाकुर देशराज जी कौन थे? भरतपुर के जाट शासक अपने नाम के पीछे क्या लगाते थे? ठाकुर। तो ठाकुर देशराज जी भरतपुर के जाट शासक थे। इनके आह्वान पर 1934 में सीकर में जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया गया और इसमें 3 लाख के लगभग लोगों ने भाग लिया। ऐसा बताते हैं कि यह शेखावाटी का 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा महायज्ञ था। इस यज्ञ में हाथी की सवारी को लेकर जाटों और राजपूत शासकों के मध्य तलवारें खींची, झगड़ा होने की स्थिति आई, परंतु बाद में स्थिति संभाल ली गई और जाटों की मांग को मानकर सीकर ठिकाने की तरफ से उनको सजा सजाया हाथी मिला और उस पर बैठकर सवारी निकाली गई। कटराथल सम्मेलन, जाट महिलाओं ने 10,000 के लगभग जाट महिलाएं कटराथल सम्मेलन में इकट्ठी हुई और इस सम्मेलन की अध्यक्षता की किशोरी देवी। किशोरी देवी और इसकी मुख्य वक्ता थी उत्तमा देवी। मुख्य वक्ता उत्तमा देवी और अध्यक्षता किशोरी देवी ने की।
अब ये उत्तमा देवी जी और किशोरी देवी जी कौन है? तो देखो सीकर किसान आंदोलन के प्रमुख नेता एक तो हो गए राम नारायण चौधरी, लेकिन सबसे प्रमुख नेताओं में आएंगे देशराज जी ठाकुर या ठाकुर देशराज जी, और एक आएंगे हरलाल सिंह जी दुल्लड़, झुंझुनू वाले हरलाल सिंह जी दुल्लड़। झुंझुनू के एक छोटू राम जी, नेत्राम जी पन्ने सिंह जी, छोटू राम जी नेत्राम जी और पन्ने सिंह जी, ये मुख्य नेतृत्व करता था इस आंदोलन के। इनमें सबसे मुख्य कौन था? ठाकुर देशराज जी। और इसको ब्रिटिश संसद तक पहुंचाने का श्रेय किसको जाता है? राम नारायण जी चौधरी। तो इन हरलाल सिंह जी दुल्लड़, कई किताबों में इनका नाम हरलाल सिंह जी खर्रा दिया हुआ है जो गलत है। हरलाल सिंह जी दुल्लड़ की पत्नी कौन थी? किशोरी देवी। उन्होंने कटराथल महिला सम्मेलन की क्या की? अध्यक्षता। और ठाकुर देशराज की पत्नी उत्तमा देवी ने इस समारोह में क्या किया? मुख्य वक्ता के रूप में काम किया। तो कटराथल सम्मेलन का संबंध किससे? सीकर किसान आंदोलन से। एक सीकर किसान आंदोलन के तहत जयसिंहपुरा हत्याकांड 1934, खोड़ी गांव की घटना 1935 और कुद्दन हत्याकांड 1935 की घटनाएं घटी। पेपर में प्रश्न आ जाए जयसिंहपुरा हत्याकांड, खोड़ी हत्याकांड और कुद्दन हत्याकांड किस किसान आंदोलन से संबंधित हैं? तो आपका उत्तर होगा सीकर किसान आंदोलन से संबंधित है। जयसिंहपुरा हत्याकांड में क्या हुआ? डोंडलौद के ठाकुर के भाई ईश्वर सिंह ने खेत पर काम कर रहे किसानों की गोलीबारी करके क्या कर दी? एक जघन्य हत्याकांड को अंजाम दे दिया। इसके विरोध में सीकर के किसान संगठित हुए और उन्होंने ईश्वरी सिंह जी को 1.5 साल की सजा दिलवाई। यह पहला मामला था जब किसी किसान की हत्या के मामले में किसी सामंत को सजा मिली। इसके बाद खोड़ी गांव की घटना, सीकर के खोड़ी गांव में एक किसान यानी जाट घोड़ी पर बैठकर कहाँ जा रहा था भाई? दुल्हन लाने। तो रास्ते में ही उसको घोड़ी से उतार दिया गया और यहां पर रत्ना चौधरी नाम से एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। इसका जब किसानों ने विरोध किया तो प्रशासन ने भी किसका साथ दिया? सामंतों का साथ दिया। और कैप्टन वेव ने गोली चलाई, उसमें 4 किसान मारे गए। इसके बाद कुद्दन हत्याकांड, कैप्टन वेव ने कुद्दन गांव में भी गोलीबारी करवाई और उसमें भी कई किसान मारे गए। तो यह निंदनीय घटनाएं हुई, जयसिंहपुरा हत्याकांड, खूड़ी गांव की घटना, कुद्दन हत्याकांड, किसके दौरान? सीकर किसान आंदोलन के दौरान। और सीकर दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया जाता है? तो 25 मई 1935 को सीकर दिवस के रूप में मनाया गया। और 1935 में सीकर के शासक राव राजा कल्याण सिंह और जाट किसानों के मध्य समझौता हुआ और ये इसमें किसानों की अधिकतर मांगे मान ली गई और इस प्रकार सीकर किसान आंदोलन 1935 में समाप्त हुआ। जय श्री राम। यहाँ आप ध्यान रखना, सीकर के पलथाना गांव में जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया गया था। सीकर के पड़थाना गांव में जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन 1934 में ठाकुर देशराज के आह्वान पर किया गया था। कमेंट से मेरे को एक प्रश्न प्राप्त हुआ, लखवाड़ परियोजना, लखवाड़ परियोजना। दोस्तों ये यमुना नदी जा रही है, उत्तराखंड के देहरादून जिले में ये लाहौरी गांव है। उत्तराखंड के देहरादून जिले के लाहौरी गांव में एक बांध बनाया जा रहा है जिसका नाम है लखवाड़ बांध। इसकी ऊंचाई लगभग 204 मीटर और इससे 300 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाएगा। और जो 300 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाएगी वो पूरी की पूरी किस राज्य को दी जाएगी? उत्तराखंड राज्य को दी जाएगी। परंतु इस बांध का पानी 6 राज्यों के मध्य बटेगा। इस लखवाड़ बांध परियोजना को लेकर 6 राज्यों में समझौता हुआ है, उत्तराखंड, यूपी, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान। तो इसका पानी 6 राज्यों में बटेगा।
हरियाणा तक तो इसका पानी आएगा नहर के माध्यम से, फिर हरियाणा के ताजेवाला हेड से, हरियाणा के ताजेवाला हेड से इसका पानी पाइपलाइन के जरिए राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र मतलब सीकर, चूरू और झुंझुनू तक पहुंचेगा और इस पानी के द्वारा यहाँ के लोगों को पेयजल की सुविधा मिलेगी, साथ में बूंद बूंद पद्धति से सिंचाई अनिवार्य रूप से करनी पड़ेगी। तो एक तो सिंचाई के काम में आएगा शेखावाटी क्षेत्र में इस परियोजना का पानी, और एक पीने के काम में आएगा। पर सिंचाई आप केवल कौन से तरीके से कर सकते हो, बूंद बूंद पद्धति या ड्रिप सिस्टम के द्वारा ही आप इस पर सिंचाई कर सकते हो। तो लखवाड़ परियोजना के तहत लखवाड़ बांध कहाँ बनाया जा रहा है, उत्तराखंड के देहरादून जिले के लाहौरी गांव में। इस बांध की ऊंचाई कितनी होगी, 204 मीटर। कितनी विद्युत का उत्पादन किया जाएगा, 300 मेगावाट का। यह पूरी की पूरी विद्युत कौन काम में लेगा, उत्तराखंड। कितने राज्यों के मध्य समझौता हुआ है पानी को लेकर, 6, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान। राजस्थान में जो पानी लाया जाएगा वो कहां से लाया जाएगा, ताजेवाला हेड से। और यहां पर इससे राजस्थान के कौन से क्षेत्र को फायदा मिलेगा, शेखावाटी क्षेत्र, सीकर, चूरू और झुंझुनू को। क्या मिलेगा, पीने के लिए पानी और सिंचाई के लिए पानी, पर सिंचाई केवल बूंद बूंद पद्धति से ही की जा सकेगी। इसके बाद सुरेंद्र जी चौधरी, सुरेंद्र जी रोज ने कमेंट्स के माध्यम से बताया कि सर राजस्थान में नगर निगम 10 हो गए हैं। बिल्कुल, राजस्थान में नगर निगमों की संख्या कितनी हो गई है, 10। 7 तो जो राजस्थान के संभाग थे, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग। अब जयपुर के 2 पार्ट हो गए हैं, जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज। इसी प्रकार जोधपुर के भी 2 भाग हो गए हैं और कोटा नगर निगम के भी 2 भाग हो गए हैं। तो कोटा में 2 नगर निगम, जयपुर में 2 नगर निगम और जोधपुर में 2 नगर निगम, इन 3 में 2-2 हो गई, तो टोटल 6 तो यह हो गई, और 4 अन्य संभागों में। तो टोटल कितनी नगर निगम हो गई है, अब 10 नगर निगम। राजस्थान के कितने जिलों में 2-2 नगर निगम बनाए गए हैं, तो 3 जिलों में। कौन कौन से है, जयपुर, जोधपुर और कोटा। राजस्थान में नगर निगमों की कुल संख्या 10। राजस्थान में नगर पालिकाएं कितनी हो गई हैं, 152। 152 में नगर पालिका थानागजी अलवर। राजस्थान की सबसे नई नगर पालिका थानागजी अलवर। और राजस्थान में नगर परिषद कितनी है, तो आपका उत्तर होगा 34। अब दोस्तों, नगर परिषद 34, नगर निगम 10 और नगर पालिका 152। तो नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद तीनों को मिलाकर कहते हैं नगर निकाय। इन तीनों को मिलाने पर क्या बनता है, नगर निकाय। तो राजस्थान में वर्तमान में नगर निकायों की संख्या कितनी हो गई, 196। यहां पर आपको एक चीज का ध्यान देना है, राजस्थान में कितने नगर निगम है, तो आपका उत्तर होगा 10। राजस्थान के कितने जिलों में नगर निगम है, तो आपका उत्तर होगा 7। राजस्थान के कितने जिलों में नगर निगम है, 7 जिलों में। और राजस्थान के कितने जिलों में 2-2 नगर निगम है, तो 3 जिलों में, जयपुर, जोधपुर और कोटा में। राजस्थान में नगर पालिकाएं कितनी है, 152। इनमें सबसे नई कौन सी है, थानागाजी अलवर। नगर परिषद कितनी है, 34 और नगर निकाय कितने हैं, 196। साथियों, आप आगे भी कमेंट्स के माध्यम से मुझे मेरी कमियों या त्रुटियों के बारे में बताते रहें, ताकि मैं उनमें सुधार कर सकूं और आपके सामने अच्छा कंटेंट ला सकूं। मैं आपको यहाँ एक प्रश्न के बारे में बताना चाहूँगा। हरी सिंह जी दाहल साहब ने कहा था कि प्रतापगढ़ की सीमा राजस्थान के 3 जिलों से लगती है, परंतु आज ही मैंने राजस्थान राजस्व मंडल का अपना खाता नाम से जो मानचित्र आता है उसमें देखा है प्रतापगढ़ की सीमा राजस्थान के 4 जिलों, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के साथ लगती है। कितने जिलों के साथ लगती है, 4 जिलों, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के साथ लगती है। आप में से कुछ लोगों के कमेंट्स प्राप्त हुए, उन्होंने कहा कि सर आप वीडियो रेगुलर डाला करो।
तो दोस्तों मैं भी इस चैनल को रेगुलर करने में लगा हुआ हूँ, पर अभी इसमें थोड़ा समय लगेगा। आप चिंता ना करें, राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम केवल आपकी नहीं है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यह एग्ज़ाम मेरा भी होगा और मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करूँगा। जय श्री राम। राम राम।